बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं चिकन चना हांडी। तो इसके लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन, चने वाइट उबले हुए, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची, मिल्क पैक क्रीम, ऑयल और अब बताते हैं मसाले। नमक, लाल मिर्ची पिसी हुई, लाल मिर्ची कुटी हुई, हल्दी और थोड़ा सा साबित गरम मसाला। तो हम बनाते हैं अपनी रेसिपी। पहले हमने लिया ऑयल, हम ऐड करेंगे प्याज, प्याज को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये देखें कि हमारे प्याज जो है ये ब्राउन हो रहे हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी हम इसमें ऐड करेंगे साबित गरम मसाला। इसमें ऐड करेंगे टमाटर, हमारे टमाटर जो हैं ये पक चुके हैं, हमारा मसाला तैयार हो रहा है। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं बोनलेस चिकन। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे चिकन को कि अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए और गल भी जाए। देखेंगे इस तरह का हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। देखें इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है। अब हम इसको थोड़ी देर रखेंगे दम पे ताकि ये चिकन जो है ये गल जाए। ये प्याज देखें हमारा फ्राई हो चुका है। डालेंगे चने। देखो खुशबू तो बहुत प्यारी ना आ रही है। अभी हम इसमें करेंगे थोड़ा सा पानी। थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए इसमें। और 2 मिनट के लिए इसको हम ढक देंगे। जी ये देखिए हमने 5 से 7 मिनट तक इसको पकाया। ये देखें पहले हमने चिकन को अच्छी तरह से भुना था, फिर इसमें चने ऐड किए और पानी डालकर 5 से 7 मिनट तक पकाया। ये देखें पानी थोड़ा सा इसलिए कि इसमें ग्रेवी बन जाए। अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पैक क्रीम, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं। देखें अभी शक्ल कैसी हो गई है। वाह देखें माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है। अब हम इसको 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे ताकि ये पक जाए करें। ये देखें हमारी चिकन चना हांडी तैयार है। यकीनन आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप।